द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बाबा रामदेव की मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और अब उनकी माफी की जो अर्जी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद बाबा की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब देखिए लोग बाग रिएक्ट कर रहे हैं कि फिर माफीनामा फाड़ कर फेंक दिया गया। सोच रहे थे सत्ता का साथ लेकर कुछ भी मनमानी करेंगे, कानून से खिलवाड़ करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पेशी में जज फटकार रहे हैं, कोर्ट के बाहर पत्रकार, और पत्रकारों के सवालों का जवाब बाबा रामदेव नहीं दे पा रहे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, और इससे पहले भी जब कोर्ट में पहुंचे थे बाबा रामदेव तब भी सवालों से बचते हुए नजर आए थे। बाबा रामदेव की हालत बहुत खराब थी और अब भी है। पेशी में जज फटकार रहे, कोर्ट के बाहर पत्रकार। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्थिति बाबा रामदेव की क्या हो गई है, और बाबा रामदेव अब जो है भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में फंस चुके हैं। माफीनामा भी नहीं स्वीकार किया जा रहा, फाड़कर फेंक दिया गया, जिसके बाद बाबा जी की मुसीबतें और बढ़ गई है। क्या कुछ हुआ कोर्ट में ये जरा समझ लेते हैं, उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या कुछ बाबा रामदेव को लेकर आ रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कोर्ट में क्या कुछ हुआ ये जानते हैं। देखिए एबीपी न्यूज ने बाकायदे लिखा है कि हम अंधे नहीं है, नतीजा भुगतना होगा। बाबा रामदेव की माफी ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 सख्त टिप्पणियां आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई हैं वो बेहद ही तंज भरी हैं और बेहद ही इस लहजे में है, गुस्से के लहजे में है, जो बाबा रामदेव के लिए मुसीबत हो सकती है, अब समझ सकते हैं। तो बाबा रामदेव के साथ क्या कुछ हुआ ये जरा इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 अप्रैल को बाबा रामदेव के दूसरे माफीनामे को खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसादीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि मामले पर जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही कहा कि हम अंधे नहीं हैं, कोर्ट ने कहा कि हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जो माफीनामा मांगा गया है बाबा रामदेव की तरफ से, उनकी जो आयुर्वेदिक कंपनी है उसकी तरफ से, तो सीधे तौर पर उसको खारिज कर दिया। कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो आप जरा सुन लीजिए, 5 मुख्यतः टिप्पणियां हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हम आप हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो हलफनामा आपने प्रस्तुत किया है उसमें धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसको किसने तैयार किया है मुझे तो आश्चर्य है। जस्टिस कोहली ने कहा कि वैसे भी हम इस पर फैसला करेंगे, हम इसको जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं, इस हलफनामे को ठुकराते हैं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, हम अंधे नहीं है, हमें सब दिखता है। इसी तौर पर बात कही गई कि हम बिल्कुल भी अंधे नहीं है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती होती है तो सज़ा भी मिलती है, यानी अगर गलती हुई तो उसकी सज़ा भी मिलती है, उन्हें भुगतना भी पड़ता है, उन्हें तकलीफ भी उठानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स लाइसेंस अधिकारियों को अभी सस्पेंड किया जाए, ये लोग दबदबा बनाते हैं और इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है, अदालत का माहौल बनाया जा रहा है। इसका इनका कहना है कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद दवाओं से जोड़े रखना है, मानो ये दुनिया में आयुर्वेद दवाएं लाने वाले पहले शख्स हो। ये तीसरी टिप्पणी थी, और जो चौथी टिप्पणी थी वो ये थी कि ड्रग्स विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई हो, लोग मर जाएं आप बस वार्निंग देते रहें, आपने बहुत नौकरी कर ली, अब घर पर बैठिए, अभी बुद्धि नहीं आई है। ये कोर्ट ने फटकार लगाई, अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम एक आदमी को माफ कर दें, उन सभी लोगों को का क्या जिन्होंने आपकी दवाई खाई थी, उनके बारे में क्या जिनके बारे में कहा गया था कि ये बीमारी दूर कर देगी, जबकि इनका इलाज हो ही नहीं सकता था। तो आप समझिए, जिनका इलाज संभव नहीं था उनको आपने इलाज उसी बीमारी के इलाज के नाम पर दवा बेच दी, और फिर आप कह रहे हैं हम आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को। तो ये सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से ये 5 मुख्य बातें थी जिन बातों को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा कि हम अंधे नहीं, हमें सब दिखाई देता है। और उनके साथ साथ जो है जो अधिकारी थे वो भी, अब देखिए हिंदुस्तान का आर्टिकल देखिए कि मिलॉर्ड हमें बख्श दें, बाबा रामदेव के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में आ गए उत्तराखंड के अफसर। कोर्ट ने 2018 से उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारियों और जिला आयुर्वेद अधिकारियों से भी जवाब मांगा कि गुमराह करने वालों के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जो मतलब ऐसी चीजें चल रही थी
जो गुमराह किया जा रहा था आयुर्वेदिक अधिकारियों मतलब एड के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, तो आपने कार्यवाही क्यों नहीं? बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि के भ्रामक एड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों की नई माफी को अस्वीकार कर दिया और तगड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि अदालत को दिए गए वचन को महत्व होता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की इस बेंच इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। कोर्ट ने 2018 से उत्तराखंड के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अधिकारियों और जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों से भी जवाब मांगा कि गुमराह करने वालों के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उत्तराखंड के खाद्य और औषधि प्रशासन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने सुनवाई के दौरान एक समय हाथ जोड़कर माफी भी मांगी और कहा कि कृपया मुझे बख्श दीजिए, मैं जून 2023 में पद पर आया, ये मेरे आने से पहले हुआ था। कोर्ट में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने अपने पहले के हलफनामे को वापस लेते हुए 6 अप्रैल को एक नया हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी थी। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि 21 नवंबर 2023 को पतंजलि की ओर से एक शपथ पत्र दिए जाने के बाद अगले दिन उनके आचरण को उचित ठहराते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसके बाद दिसंबर और जनवरी में भ्रामक विज्ञापन जारी किए गए जो प्रथम दृष्टया उल्लंघनकारी पाए गए। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, यह अकेले अवमानना के बारे में नहीं है बल्कि जनता के बीच एक बड़ा संदेश जाना चाहिए कि अदालत को दिया गया एक वचन जिसे महत्व दिया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए और आप खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने 2 अप्रैल को दोनों को नए हलफनामे दाखिल करने की अनुमति दी थी और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाले एक आवेदन में गलत तथ्य बताने के लिए उनके खिलाफ झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने का भी संकेत दिया था। अदालत ने कहा कि अवमाननाकर्ताओं ने 31 मार्च को जारी किए गए अपनी यात्रा के टिकटों को 30 मार्च को उनके द्वारा शपथ लिए गए आवेदन के साथ संलग्न किया जिससे अदालत के रिकॉर्ड में गलत तथ्य सामने आया। हालांकि उनके हलफनामे में बताया गया कि आवेदन टिकट जारी होने के बाद 31 मार्च की रात को ही यह दायर किया गया था। बेंच ने कहा, तथ्य यह है कि जब हलफनामे पर शपथ ली गई थी तो ऐसा कोई टिकट नहीं था और कार्यवाही से बचने का प्रयास किया गया। अदालत ने आगे कहा कि इसे हल्के में ना लिया जा सकता क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने कहा, हम उन FMCG के बारे में भी चिंतित हैं जो लोगों को उनके उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसके प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। सिस्टम में बड़ी खामियां हैं और खामी आपके कंपनी के कीमत पर नहीं बल्कि जनता के स्वास्थ्य के कीमत पर है। कोर्ट ने 1954 अधिनियम और नियमों के तहत पतंजलि के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने में चुप्पी साधे रहने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। तो उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मंत्री और बाबा रामदेव, उनका क्या हाल है तो आप देख ही रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख लिए होंगे किस तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। कोर्ट इनके माफीनामे को खारिज कर दे रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये गलत है, जो गलती है उसकी सजा उसे जरूर दी जाए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।